हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं हूँ आईवीएफ कंसल्टेंट नीलकंठ आईवीएफ जयपुर ब्रांच में। आज मैं आपके साथ बात करूँगी कि गर्भधारण के लिए फेलोपियन ट्यूब्स का क्या रोल होता है। गर्भधारण के लिए फेलोपियन ट्यूब्स का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। होता क्या है, जब महिला का महावारी यानी पीरियड आता है तो पीरियड के दूसरे तीसरे दिन से ही अंडों में से एक अंडा डेवलप होने लगता है, फॉलिकल डेवलप होता है। मिड साइकिल आते आते ये फॉलिकल जब अच्छे से मैच्योर हो जाता है तो यह फूटता है। इसमें से जो मुख्य अंडा यानी बीज है वो बाहर निकलता है, फेलोपियन ट्यूब में आके रुक जाता है। यदि इस बीच में पति और पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं तो जो पति है वो लाखों की संख्या में अपने शुक्राणुओं को महिला के वजाइना में खलित करते हैं। फिर जो अच्छे मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो तेज़ी से दौड़कर ऊपर जाते हैं, इस फेलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं और वहाँ पर जो अंडा है उसमें से एक जो सबसे अच्छा स्पर्म है इस अंडे को फर्टिलाइज करता है और भ्रूण बनता है। यह भ्रूण फिर 3 से 4 दिन तक इसी फेलोपियन ट्यूब में विकसित होता है और फिर वहाँ से 5वें दिन पर गर्भाशय में आता है, उसकी इनर लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम में आके चिपकता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और ऐसे प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है। तो गर्भधारण के लिए जो फेलोपियन ट्यूब है उसका एक तो इस अंडे को पकड़ना, वहाँ पर अंडे को ओवरी से पकड़ने में बहुत ज़्यादा मुख्य रोल होता है। फिर ये जो फर्टिलाइज अंडा है इसको गर्भाशय तक पहुँचाने में भी फेलोपियन ट्यूब का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। इसमें जो फेलोपियन ट्यूब के जो रेशे होते हैं यानी कि सीलिया जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, उनके अच्छे से उनका काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि ये फेलोपियन ट्यूब या तो ब्लॉक हो या फिर इनके सीलिया यानी कि इनके रेशे ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रहे हों, तो ऐसे में या तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा या फिर जो फर्टिलाइज भ्रूण है वो ठीक से गर्भाशय तक नहीं पहुँच पाएगा और महिला को निसंतानता का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं क्या कारण हो सकते हैं या तो ब्लॉक ट्यूब्स के या फिर इन सीलिया का ठीक प्रकार से काम ना करने का। देखिए, जो स्टडीज़ हैं उसमें पाया गया है कि जो इन्फेक्शन यानी संक्रमण है वह सबसे ज़्यादा मुख्य कारण होता है फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने का या इसके जो आकार है उसमें कोई विकार होने का, ये सबसे मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए ये देखा गया, इसमें ये देखा गया है कि यदि कोई इन्फेक्शन हो तो ना केवल ट्यूब ब्लॉक हो सकती है बल्कि जो उस ट्यूब के सीलिया यानी रेशे हैं वो भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर हम कोशिश करके ट्यूब्स को खोलना भी चाहें तब भी हम कई बार पेशेंट्स इस केसेस में प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। अब जानते हैं कि क्या क्या टेस्ट हम कर सकते हैं ये देखने के लिए कि महिला के जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो ठीक प्रकार से खुले हैं या नहीं है। तो जो 3 प्रमुख टेस्ट जो हम करवाते हैं उनमें से बेसिक टेस्ट है HSG, जिसमें हम नीचे से डाई डालकर एक्सरे के माध्यम से महिला के जो यूट्रस और ट्यूब्स हैं वो देखे जाते हैं और इस डाई के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं SSG, जिसमें हम डाई डालकर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि महिला के ट्यूब्स खुले हैं कि नहीं। लेकिन जो सबसे कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है जिसमें हमें यदि हमें HSG या SSG में कोई भी डाउट आ रहा है तो हम कन्फर्मेटरी जो सबसे अच्छा टेस्ट हम कर सकते हैं वो होता है लैप्रोस्कोपी टेस्ट, जिसमें हम ऊपर से दूरबीन डाल के महिला के पेट में से दूरबीन डाल के इसको कैमरे से अच्छे से अटैच करके हम फेलोपियन ट्यूब को लाइव देख सकते हैं और फिर नीचे से डाई डालकर लाइव हम ये चेक कर सकते हैं कि वो डाई फेलोपियन ट्यूब से बाहर निकल रही है यानी फेलोपियन ट्यूब खुले हैं कि नहीं खुले हैं। लैप्रोस्कोपी का एक और फ़ायदा होता है, यदि ट्यूब बंद है तो हम उनको इस सेम सीटिंग में हम उसको खोलने का भी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने इस प्रयास को भी कर लिया है और फिर भी महिला ट्यूब खोलने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि उसके जो सीलिया है यानी कि वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इन कपल्स में हम IVF भी उनको सुझाव दे सकते हैं और ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो नेचुरली ट्यूब में हो रहा है इसको लैब में करवा के डायरेक्टली भ्रूण को भी हम बच्चेदानी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आपको IVF टेक्निक के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ IVF में आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू।